पार्वती, देखो तो कौन आए हैं। पार्वती पुत्री, आंखें खोलो। पार्वती आंखें खोल, पुत्री आंखें खोल और हमारे साथ हिमालय भवन लौट चल। पुत्री लौट चल। पुत्री अपने माता पिता की पुकार सुन। पुत्री हमसे ये तेरा कठोर तप नहीं देखा जाता। हमें बताओ तो सखी पार्वती, तुम्हारा वो सुंदर गौर वर्ण कहाँ गया? ये श्याम वर्ण तुम्हें किसने दिया? तुम काली कैसी हो गई? किसने किया तुम्हारे साथ ये अन्याय? शिव जी के साथ होते हुए शिव के अतिरिक्त अन्य किसका साहस हो सकता है जो मेरी पुत्री के साथ ये अन्याय करे? ये सब शिव जी के करने से हुआ है। पार्वती आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती चल, पुत्री चल हमारे साथ लौट चल। पुत्री नहीं पिताश्री, आप लोग लौट जाएं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तुझे अपने साथ लिए बिना हम अकेले कैसे लौट सकते हैं पुत्री? पुत्री पार्वती तू हमारे साथ क्यों नहीं आ सकती? मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है माता कि जब तक मैं अपना गौर वर्ण प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक तपस्या करती रहूंगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग लौट जाएं। मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम इस प्रकार मेरे एकांत को भंग करोगी तो मेरी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। यदि तुम मेरा हित चाहते हो तो मुझे मेरी तपस्या पूर्ण करने दो और तुम यहाँ से लौट जाओ। ब्रह्मदेव को मेरी तपस्या का उत्तर देना ही होगा। किंतु पुत्री माता, जब तक मैं अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगी यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं जानती हूँ अपनी पुत्री को, वो अपना हट नहीं त्यागेगी। हम भी अपनी पुत्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं महारानी, इसके निश्चय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो महारानी चलो।